यहाँ ये तैयार है हमारा फ्रेश मैंगो जूस, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है, और हमने इसमें ना ही कलर यूज़ किया है ना ही प्रिजर्वेटिव। तो आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए, और इसकी हमने आइसक्रीम भी बनाई है, ये जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, को निकाल के दिखा देते हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट और टेस्टी आइसक्रीम, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ ये आइसक्रीम भी रेडी है और ये फ्रेश जूस भी। यहाँ हमने लिए हैं दो पके हुए आम और एक कच्चा आम, इन्हें हमने पहले से धो लिया है और अभी हम इसका छिलका निकाल देंगे। यहाँ तीनों को हमने छील लिया है और अब हम इसका पल्प अलग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमने कुकर लिया है, इसमें हम इसे डाल देंगे और ये एक ग्लास पानी, और हम इसमें मीडियम फ्लेम पर दो सीटी लगाएंगे। यहाँ हमने ली है एक कप चीनी और ये हम लेंगे दो ग्लास पानी, और इसे मिक्स कर लेंगे। हल्का गर्म रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, बस चीनी मेल्ट हो जानी चाहिए। ये हो गया है और अब हम इसे इस मिक्सर जार में डालेंगे और इसे अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यह हमने एक बर्तन लिया है और ये हमने ली है सूप वाली छलनी, तो इसे इसमें हम छान लेंगे ताकि इसके जो भी रेशे होंगे वो इस छलनी में ऊपर अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो पीने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो उन्हें अलग कर लेना इस तरीके से। और ये ठंडा हो गया है और इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, अभी आधा करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी, या अभी गाढ़ा है तो ये हम बाकी का आधा भी इसमें मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरीके से होना चाहिए। एक जार में हम इसे कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए इसका कलर भी बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी कलर ऐड नहीं किया है इसमें। और यहाँ हमने ग्लास में अलग ले लिया था, अब हम इसकी आइसक्रीम बनाएंगे। तो ये हमने लिया है, वरना आप इसे ग्लास में या कटोरी में, जैसे भी आपको कम्फर्ट हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा फ्रेश मैंगो जूस बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसका टेस्ट फ्रूटी जैसा होता है, बट हमने इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया है, कोई भी कलर ऐड नहीं किया है। और इसे भी चेक कर लेते हैं, इसे थोड़ी सा पानी में रखेंगे ताकि ये इजीली निकल आए, और इसे अब निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए एकदम से परफेक्ट आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो अब चाहे आप आइसक्रीम इसकी बनाएं या आप इसे जूस की तरह पिए। तो यहाँ ये हमारी आइसक्रीम भी रेडी है और जूस भी रेडी है। तो आप भी इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।